हे गाइस, कैसे आप लोग। अगर आप एक निक बैंड परचेस करना चाहते हैं और आपका बजट है 1500 रुपये या फिर 2000 रुपये या फिर 2500 रुपये, तो उसके हिसाब से बेस्ट निक बैंड खुद के लिए ढूंढना भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज मार्केट पे बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसे में हर एक को यूज करके खुद के लिए एक को पिक करना आपके लिए डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। बट आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बिकॉज आज मैं आपके लिए 5 ऐसा निक बैंड ढूंढ के निकाला हुआ है जो कि अंडर 1500 रुपये से लेके 2500 रुपये के अंदर आता है। एंड ये पांचों ही निक बैंड अपने प्राइस के हिसाब से सबसे बेस्ट है। साथ ही सेपरेटली अगर आपका मेन प्रायोरिटी कॉलिंग है या फिर गेमिंग है या फिर साउंड क्वालिटी है, तो उसके हिसाब से भी कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप एक नेक बैंड परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड इन सारे नेक बैंड को तो मैंने खुद पर्सनली यूज भी किया हुआ है, साथ ही इनके कंपटीशन में और भी जितना नेक बैंड है मार्केट में अवेलेबल, उन सबको भी मैंने ऑलमोस्ट यूज किया है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विथान, आप देख रहे हैं इनसाइट, लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जितना भी नेक बैंड आपको मैं इस वीडियो में सजेस्ट करने जा रहा हूँ, उन सब का डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। गेमिंग क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी हमने आउटडोर में जाके टेस्ट किया, तो वो सारा चीज़ें आप उन वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो उन सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन से जाके भी चेकआउट कर सकते। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 5 पे आने वाले नेक बैंड के बारे में। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट थोड़ा कम है, आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो 1500 रुपये के अंदर Realme की तरफ से आता है Realme Buds Wireless 2S, एक कमाल का नेक बैंड है एंड ओवरऑल एक बेस्ट नेक बैंड है अगर आप अंडर 1500 रुपीज़ के किसी भी नेक बैंड के साथ कंपेयर करेंगे। एंड ये नेक बैंड सेल के टाइम पे 1200-1300 रुपये के अंदर भी देखने को मिलता है, तो अगर आप सेल के लिए वेट कर सकते हैं तो आपको और भी कम प्राइस में ये नेक बैंड मिल सकता है। अभी फिलहाल ये मेरे पास नहीं है, बिकॉज कई बार हम लोग वीडियो करने के बाद प्रोडक्ट को रीसेल कर देते हैं, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ वीडियो में। बट अगर बात करूँ इसके फीचर्स के बारे में, तो ये एक अपग्रेड है Realme Buds Wireless 2 Neo का, जिसमें आपको 12-13 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता था। एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको 25 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। एंड मैंने इसको प्रैक्टिकली टेस्ट भी किया, तो मुझे करीब 22-23 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिला था। साथ ही साथ जो साउंड क्वालिटी है वो आपको कमाल का देखने को मिल जाता है। 11.2 mm के ड्राइवर का यहाँ पर यूज किया गया, बेस के साथ साथ जो ट्रबल का पार्ट है या फिर जो वोकल्स है वो आपको बहुत ज्यादा क्लियर सुनने को मिलेगा। इसके अलावा रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। ऐप के अंदर आपको 3 अलग अलग इक्यू मोड मिल जाता है, तो जो भी मोड आपको सुनना पसंद है उसके हिसाब से आप चेंज करके भी यहां पर सुन सकते हैं। ईयर प्लग जो है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, नेक बैंड काफी लाइट वेट है एंड साथ ही जो कॉल क्वालिटी वो भी काफी अच्छा मिल जाता है। AI ENC का सपोर्ट मिल जाता है, तो बैकग्राउंड नॉइस को भी ये काफी अच्छे से कैंसिल कर देता है। एंड गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको इसमें काफी अच्छा मिल जाता है। 88 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट है एंड ऑलमोस्ट ना के बराबर आपको लेटेंसी मिलता है। रियलमी का जितना भी नेक बैंड है या फिर ऑडियो प्रोडक्ट है उसमें लेटेंसी काफी कम मिलता है, तो अगर आप गेमिंग पर्पस में परचेस करना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि इस नेक बैंड को आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जब भी आप इसको यूज करेंगे। एंड कनेक्टिविटी में भी आपको यहां पर ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट है। साथ ही यहां पर आपको डुअल पेयरिंग का सपोर्ट तो नहीं मिलता, बट डुअल डिवाइस स्विचिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अगर मल्टीपल डिवाइस एक साथ में यूज करते हैं तो आप स्विच कर करके भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एंड इसमें आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर्स भी मिल जाता है, दोनों ईयर प्लग को जैसे आप अलग करते हैं आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। एंड एक एक्स्ट्रा फीचर्स के हिसाब से आपको यहाँ पर ऑटो कॉल आंसर का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आ रहा है तो जैसे आप दोनों ईयर प्लग को अलग करेंगे तो ये स्विच ऑन होने के साथ साथ कॉल भी ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा, आपको मैनुअली बटन प्रेस करके कॉल को रिसीव करने का जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से अंडर 1500 रुपीज में ओवरऑल अगर आप फीचर वाइज देखेंगे तो ये सबसे बेस्ट नेक बैंड है एंड साथ ही साथ जो क्वालिटी है वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। बट हाँ, एक चीज़ है कि जो बिल्ड क्वालिटी है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा आपको केयरिंग के साथ यूज करने का जरूरत है। हाँ, अगर आप रफली यूज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको बोट रॉकर्स एपिक सजेस्ट करना चाहूंगा, वो भी अंडर 1500 रुपीज में काफी अच्छा है। तो अभी आपको चूज करना है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। वैसे इन दोनों ही नेक बैंड का डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा अगर आप अंडर 1500 रुपीज में एक नेक बैंड परचेस करना चाहते हैं। साथ ही इन दोनों ही नेक बैंड का बेस्ट बैंक लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एंड दोस्तों, अगला जो नेक बैंड हमारे इस लिस्ट के अंदर आता है वो है दी मोस्ट पॉपुलर नेक बैंड अंडर 2000 वन प्लस के तरफ से, वन प्लस बुलेट Z2। इसका रेगुलर प्राइस है 1999 रुपीज, बट आजकल सेल के टाइम पे इसका प्राइस काफी डाउन हो जाता है, 1600-1700 रुपए के अंदर भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको रिसेंटली ग्रीन कलर के साथ परचेस किया, इससे पहले भी मैंने इसको 2 बार परचेस किया था। चैनल पर रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया हमने इस ग्रीन कलर के साथ, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है, इस ग्रीन कलर में इंटरेस्टेड है, तो आप चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं। एंड अगर बात करूँ इस नेक बैंड के बारे में, तो यहाँ पर इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको काफी अच्छा मिल जाता है। पीछे का जो नेक बैंड है वो काफी सॉफ्ट है, अगर आप इसको पॉकेट में डाल के कहीं पर कैरी
कैरी करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मॉड्यूल में प्लास्टिक यूज किया गया इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा है, दोनों साइड में आपको यहाँ पर सपोर्ट भी मिल जाता है जॉइंट में, एंड जो वेयर है इसका क्वालिटी भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि इसका जो ईयर प्लग है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप कंटिन्यूअसली 6-7-8 घंटा यूज करना चाहते हैं तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वन ऑफ द बेस्ट कंफर्टेबल फिटिंग के साथ ये नेक बैंड आता है, एंड इसमें आपको IP55 की रेटिंग मिल जाता है, तो वाटर के साथ साथ डस्ट रेजिस्टेंस भी ये बन जाता है। एंड अगर आप कॉलिंग पर्पस में एक नेक बैंड परचेस करना चाहते हैं अंडर 2000 रुपीज में, तो डेफिनेटली इसका जो कॉल क्वालिटी है वो आपको कमाल का देखने को मिल जाता है। जो बैकग्राउंड का नॉइस है उसको बहुत अच्छे से कैंसिल कर देता है, एंड माइक का क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर आप लो वॉइस में ही बात करते हैं तो काफी क्लियरली उल्टा साइड में पहुंच जाता है। इसमें OnePlus की तरफ से सबसे बड़े 12.4 mm के ड्राइवर का यूज किया गया। अगर आप स्पेशली बेस लवर हैं, अगर आप बेस टाइप का गाना सुनना ज्यादा पसंद करते हैं तो काफी पंची बेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, साथ ही साथ जो वोकल्स हैं, जो ट्रबल्स है वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। हाँ, स्पेशली बेस लवर को टारगेट करते हैं, तो अगर आप क्लासिकल टाइप का या फिर रोमांटिक टाइप का सॉन्ग सुनना ज्यादा प्रीफर करते हैं तो उस हिसाब से मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। अदरवाइज प्राइस के हिसाब से साउंड क्वालिटी आपको काफी अच्छा मिल जाता है, एंड साउंड क्वालिटी के साथ साथ जो बैटरी बैकअप है वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। इसमें 220 mAh का एक बैटरी का यूज किया गया है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको 26-27 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, जो कि डेफिनेटली ह्यूज नंबर है। एंड अगर आप इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए चार्ज करेंगे तो आप 20 घंटा तक यूज कर सकते हैं। एंड एक और चीज मैं आपको तो बताना भूल गया कि यहां पर आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का सपोर्ट मिल जाता है। जैसे आप दोनों ईयर प्लग को अलग करेंगे तो आपके मोबाइल के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, एंड बहुत फास्ट कनेक्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली अंडर 2000 रुपीस में ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एंड सेल के टाइम पे जो 1600-1700 रुपए के अंदर ये मिल रहा है उस प्राइस के हिसाब से तो भाई कमाल का डील है। तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं। 4 अलग-अलग कलर ऑप्शन में भी ये नेक बैंड अवेलेबल है, एंड सभी जो कलर है वो मुझे काफी ज्यादा सुंदर सा लगता है। तो सभी कलर का बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए सर बात करते हैं नंबर 3 पे आने वाले नेक बैंड के बारे में। तो मेरे हिसाब से नंबर 3 पे आता है बोट की तरफ से बोट रॉकर्स 330 ANC या फिर 333 ANC, दोनों ही एग्जैक्टली सिमिलर प्रोडक्ट है। सिर्फ एक में जो वायर है वो आपको प्लेन मिलेगा एंड दूसरे में आपको ब्रेडेड मिल जाएगा। एंड 333 ANC आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलता है, एंड 330 ANC आपको अमेज़न के ऊपर मिलता है। बस बाकी कुछ भी डिफरेंस आपको दोनों नेक बैंड में देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे कि नाम में आपने ANC वर्ड सुना, तो इसमें आपको 25 dB तक का ANC का सपोर्ट मिल जाता है। एंड ANC की वजह से जो भी आप आवाज सुनते हैं बाहर में, जो भी नॉइज आपके कान में आता है वो नॉइज काफी रिड्यूस हो जाता है जैसे आप ANC मोड को ऑन कर देते हैं। साथ ही साथ ANC है तो आपको एम्बिएंट मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। आप ईयरफोन को कान में पहनने के बावजूद जो बाहर का आवाज है वो आप क्लियरली सुन सकते हैं इस एम्बिएंट मोड के साथ। एंड साथ ही अगर आप देखेंगे तो साउंड क्वालिटी भी आपको इसमें काफी अच्छा मिल जाता है। दो अलग अलग मोड आपको मिलता है, एक आपको बोट के तरफ से बोट सिग्नेचर साउंड जहां पर पंची बेस देखने को मिलेगा, साथ ही डायरेक्ट वर्चुअल की तरफ से जो साउंड मिलता है उसमें आपको बेस के साथ साथ जो ट्रबल एंड वोकल्स है वो आपको काफी बैलेंस सुनने को मिलेगा। एंड स्नेक बैंड का जो बिल्ड क्वालिटी वो आपको कमाल का देखने को मिल जाता है। जो साइड का मॉड्यूल है वो आपको मेटालिक मिल जाता है, वायर काफी थिक है, पीछे का जो नेक बैंड है उसका क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर बात करो बैटरी बैकअप के बारे में, तो अगर आप बिना कोई मोड का यूज करते हैं तो आपको 30 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, बट अगर आप डायरेक्ट वर्चुअल मोड को यूज करते हैं तो आपको 20 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिलेगा। अगर आप ANC प्लस डायरेक्ट वर्चुअल मोड को यूज करते हैं तो आपको 13-14 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल ये जो नेक बैंड है वो मुझे काफी अच्छा लगा अंडर 2000 रुपीज में, अगर आप किसी भी नेक बैंड के साथ कंपेयर करेंगे। एंड इसका भी रेगुलर प्राइस है 2000 रुपए, बट सेल के टाइम पे ये भी आपको 1500-1600 रुपए के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आप सेल के लिए वेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली अच्छा बात है, बट अगर आप वेट नहीं भी करते हैं तो 2000 रुपए में भी ये एक वार्थ नेक बैंड है। तो इसका भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। एंड साथ ही इसका एक ओशन ब्लू टाइप का कलर आता है जो कि पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट कलर है, एंड उसी कलर के साथ मैंने इसको परचेस किया था, हालांकि रीसेल कर दिया है तो फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है। एक्चुअली भाई जो भी अच्छा प्रोडक्ट है लोग हमेशा उसी को ही उठा के लेके चला जाता है, बट आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो सभी कलर का बेस्ट बैंक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 के बारे में, एंड यहां पर आता है मेरा वन ऑफ द फेवरेट नेक बैंड ओप्पो के तरफ से, ओप्पो एंको M32। एंड इसको मैंने इतना ज्यादा यूज किया कि नेक बैंड का हालत ही खराब हो चुका है। भाई जो साउंड क्वालिटी है ना वो आपको कमाल का देखने को मिल जाता है अंडर 2000 रुपीज में। जितना भी नेक बैंड मार्केट में अवेलेबल है मेरे हिसाब से दी बेस्ट साउंड क्वालिटी के साथ ही आता है। कमाल का ट्रबल का क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलता है, साथ ही साथ जो वोकल्स है एंड जो सराउंडिंग साउंड है ना जो पीछे से बज रहा होता है, छोटा छोटा जो बीट्स है
वो आप इस नेक बैंड में काफ़ी क्लियर सुन सकते हैं। साथ ही जो बेस है वो आपको डीप तरह का मिलता है, एंड सुनने में ना ये नेक बैंड बहुत ज़्यादा प्लीजिंग से एक्सपीरियंस देता है। एंड इसका जो ईयर प्लग का डिज़ाइन है एंड जो लुक्स है एंड जो कम्फर्टेबिलिटी है वो भी मुझे कमाल का लगता है। अगर आप देखेंगे तो ईयर प्लग के बाहर के साइड में भी रबर का ग्रिप दिया गया है, तो जब भी आप कान में यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी इरिटेशन फील नहीं होता है प्लास्टिक की वजह से। इसमें भी आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे आप दोनों ईयर प्लग को अलग करते हैं आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर जो नेक बैंड है ना वो भी आपके नेक के हिसाब से पहले से ही बेंड होकर आता है। एंड साथ ही साथ अगर आप साइड के मॉड्यूल को देखेंगे तो इसका लुक्स भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। नॉर्मली जितना भी नेक बैंड होता है उसमें बटन्स बाहर के साइड में देखने को मिलता है, बट इसमें अंदर के साइड में बटन्स दिया गया तो बाहर से एक अलग सा लुक्स आता है। हाँ, सिर्फ एक ही बात है कि जो वायर है वो आपको थोड़ा सा पतला मिलता है, बट अगर आप केयर के साथ यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं भाई जब से ये लॉन्च है उस टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूं, मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला है। एंड साथ ही साथ जो बैटरी बैकअप है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको 25 घंटे से ऊपर बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एंड इसको भी अगर आप सिर्फ 10 मिनट के लिए चार्ज करते हैं तो 20 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एंड इसमें भी आपको डुअल डिवाइस स्विचिंग का सपोर्ट मिल जाता है, आप वॉल्यूम प्लस माइनस के बटन को लॉन्ग प्रेस करके काफी इजीली एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर स्विच कर सकते हैं। साथ ही IP55 का रेटिंग मिल जाता है, तो जिम या फिर रनिंग के टाइम पे भी आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं, स्वेट वगैरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड कॉल क्वालिटी भी आपको प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक सा मिल जाता है, नॉइस को भी काफी अच्छे से ये कैंसिल कर देता है। एंड इसका रेगुलर प्राइस है 1800 रुपये, बट सेल के टाइम पे ये भी आपको 1500 रुपये के नीचे देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अंडर 2000 रुपीज में अगर आप स्पेशली साउंड क्वालिटी के लिए एक नेक बैंड परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ओप्पो इनको M32 को बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। मेरे तरफ से एक हाईली रिकमेंडेड नेक बैंड है फॉर म्यूजिक लवर। ओप्पो का जितना भी ऑडियो प्रोडक्ट है वो मुझे कमाल का लगता है, बट मोबाइल अच्छा नहीं लगता है। जो ऑप्टिमाइजेशन ओप्पो ऑडियो प्रोडक्ट में करता है ना वो आपको बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बैंक लिंक के साथ साथ डिटेल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को और भी डिटेल में जानना चाहते हैं इस नेक बैंड के बारे में। दोस्तों लास्ट 1-1.5 साल में मैंने जितना भी टॉप 5 नेक बैंड का वीडियो बनाया था हमेशा मैंने इस रियलमी बर्ड्स ओएलएस 2 को नंबर 1 पे रखता था, बट करेंटली ये मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। चाहे फ्लिपकार्ट में देखेंगे, अमेजन में देखेंगे या फिर रियलमी के ऑफिशियल स्टोर में जाके देखेंगे, तो अगर अवेलेबल ही नहीं है तो उसको सजेस्ट करके क्या फायदा, बिकॉज लोग परचेस ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज के इस लिस्ट से हम लोग इसको निकाल रहे हैं, अगर फ्यूचर में अवेलेबल होगा तो फिर से लिस्ट के अंदर इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो करेंटली अगर नंबर 1 के बारे में बात करूं तो अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है कि आप 2500 से 3000 रुपए तक खर्च कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से बोट की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ बोट निर्वाणा 5 to 5 ANC एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। एंड इसमें जो सारा फीचर्स देखने को मिलता है वो आपको किसी भी नेक बैंड में देखने को नहीं मिलेगा। भाई डॉल्बी ऑडियो की तरफ से इसमें पावर्ड बाय साउंड क्वालिटी मिलता है। नॉर्मली जितना भी म्यूजिक है वो डॉल्बी ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ रिकॉर्ड किया जाता है, बट वो एक्सपीरियंस आज से पहले सिर्फ हम थिएटर में जाके ले सकते थे, बट इस डॉल्बी ऑडियो साउंड के वजह से इस नेक बैंड में भी आप वही एक्सपीरियंस ले सकते हैं। नॉर्मली हम जब भी कोई भी ईयरफोन यूज करते हैं तो जो साउंड है वो ईयर से प्ले होता है, बट इस नेक बैंड से जब भी आप डॉल्बी ऑडियो मोड में साउंड सुनेंगे तो आपको लगेगा जो साउंड है वो बाहर प्ले हो रहा है। एंड उसका जो एक्सपीरियंस है ना वो कमाल का है। जो साउंड इस नेक बैंड में आपको देखने को मिलेगा वो आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही साथ इसमें आपको बोट की तरफ से सिग्नेचर साउंड क्वालिटी भी मिल जाता है, तो अगर आप पंची बेस टाइप का सॉन्ग सुनना चाहते हैं एंड एयर में ही सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो उस मोड में जैसे ही स्विच करेंगे तो वो एक्सपीरियंस भी आप इसके साथ ले सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे साउंड क्वालिटी में फीचर्स आपको मिल जाएगा। ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, तो ऐप के अंदर बोट की तरफ से अडेप्टिव इक्यू का सपोर्ट मिलता है जिसको आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। साथ ही इस नेक बैंड का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें आपको अप टू 42 dB तक का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप बहुत बिजी में जाके भी इसके ANC मोड को ऑन कर देते हैं तो करीब 60-70% जो साउंड है बाहर का वो कट आउट हो जाता है एंड आपको सिर्फ 30-40% साउंड ही आपके कान में सुनाई देता है। तो डेफिनेटली कमाल का एक्सपीरियंस आपको इस नेक बैंड के साथ मिलेगा। एंड ANC का क्वालिटी मुझे काफी अच्छा लगा। एंड ANC है तो इसमें भी आपको एम्बिएंट मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बहुत सारे लोगों का। अगर आप मल्टीपल डिवाइस एक साथ में यूज करते हैं तो आप दोनों मोबाइल को एक साथ में कनेक्ट करके रख सकते हैं। साथ ही बिल्ड क्वालिटी भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है। पीछे का जो नेक बैंड है वो काफी सॉफ्ट है, साथ ही साइड का जो मॉड्यूल है उसका डिजाइन भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। राउंड सा शेप के साथ ही आता है, 3 आपको अलग अलग कलर ऑप्शन में देखने को मिलता है। एंड साथ ही यहाँ पर जो वायर का यूज किया गया वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, एक बात है कि यहाँ पर जो ईयर प्लग का यूज किया गया इसमें आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का सपोर्ट नहीं मिलता है, एंड साथ ही साथ जो मैग्नेट है वो उतना स्ट्रांग भी यहाँ पर नहीं है। बाकी जो ईयर प्लग है वो आपको काफी कंफर्टेबल मिल जाता है, आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, कोई
प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड अगर बात करो बैटरी बैकअप के बारे में तो आप ENC के साथ भी स्नेक बैंड को करीब 22-23 घंटा तक यूज कर सकते हैं। एंड कॉलिंग के बारे में बात करो तो इसमें आपको ENX टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल जाता है, तो अगर आप बहुत बिजी रूम में जाके बात करें तो उस वक्त आपका जो वॉयस है उसको ये काफी अच्छे से फोकस रखता है, बैकग्राउंड के नॉइस को बहुत अच्छे से कैंसिल कर देता है। मैंने प्रैक्टिकली इसको हाईवे के पास में जाके टेस्ट करके देखा है, उसके हिसाब से मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। हाँ, एक प्रॉब्लम मैंने इसके साथ रिसेंटली नोटिस किया है कि जब भी मैं इसके साथ फोन में बात कर रहा हूं कंटिन्यूअसली लंबे समय तक, तो कभी कभी ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होकर स्विच ऑफ हो जा रहा है। बट अगर हम वीडियो देख रहे हैं या फिर म्यूजिक चल रहा है उस टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट अगर बोट चाहे तो इसमें आपको ऐप का सपोर्ट मिलता है, तो OTA अपडेट के जरिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज मुझे इस नेकबैंड में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला। मेरे हिसाब से जितना भी नेकबैंड मार्केट में अवेलेबल है भाई, फीचर्स के वाइज में देखेंगे या फिर साउंड क्वालिटी के वाइज देखेंगे, तो इसको बीट कोई भी नेकबैंड नहीं कर सकता है। दी बेस्ट नेकबैंड है जितना भी मार्केट में आज के रेट पे अवेलेबल है। आई होप कि जो कॉलिंग का प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एंड अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप इस नेकबैंड के साथ रियलमी बर्ड्स वेलेस 2 या फिर वन प्लस बुलेट Z2 का कंपेरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी हमने चैनल पर पोस्ट कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मेरा लिस्ट तो यहीं पे खत्म हो जाता है, बट अगर आपको लगता है कि और कोई नेकबैंड है जो इस लिस्ट के अंदर होना चाहिए था तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, 50K तक तो पहुंचाओ यार, और कितना दिन वेट करवाओगे। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।